हमारे इस शो बिजनेस के मैक्सिमम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। तलत वहीद साहब को मैंने उस वक्त देखा नहीं था। तलत वहीद साहब वेरी वेरी वेल नोन फिगर ऑफ आवर दिस शोबिज कम्युनिटी। और हमारे रजाक राजू साहब भी अभी तशरीफ लेकर आए हैं। इसाक राजू इसाक राजू साहब ये हैदराबाद से बिलोंग करते, डेफिनेटली अब ये कराची से ही बिलोंग करते हैं और इनके ड्रामे हम सभी देखते हैं। और तलत वहीद साहब माशाल्लाह से बहुत अच्छे राइटर भी है, डायरेक्टर भी हैं, बहुत सारी गुण हैं इनके अंदर, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। इसाक राजू साहब आपको भी खुशामदीद कहते हैं हम अपने इस प्लेटफॉर्म से, जो राशिद फातमी साहब ने प्यारे से अवार्ड सेरेमनी का इनेकाद किया, यहाँ पे केक कटिंग सेरेमनी भी होगी अभी थोड़ी सी देर के बाद। और हमारे अनवर हुसैन साहब को मैं खुशामदीद कहता हूँ, जो बहुत ही बड़े स्टाइल हमारे फनकार हैं। अनवर हुसैन साहब सनोबर अमर यू कैसी हैं आप, ठीक ठाक केम छो मजावा छे सुबह रक्षंदा शहजाद यहाँ पर मौजूद है। किसी किसी के नाम अगर मैं नहीं ले पा रहा हूँ, टोपी पहन लेता हूँ तो मुझे पता नहीं चलता। तो ये है सिलसिला हमारा। सर आप यहाँ ये सलाम भाई रक्षंदा, और खास तौर पर मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ हमारे अख्तर पीर ज़ादा साहब का कि जो अपनी मसरूफियात की बिना के ऊपर यहाँ पर अपना वक्त निकाल कर आए। अख्तर पीर ज़ादा साहब दोस्त भी बहुत अच्छे और माशाल्लाह से शो बिजनेस लवर भी हैं और बहुत सारे प्रोग्राम भी करते रहते हैं, ये इनका कहना है। मैं यहाँ पे दावत देता हूँ राशिद फातमी साहब को कि राशिद फातमी साहब आप कुछ कहना चाहेंगे। डेफिनेटली आज आपके घर में इस तकरीब का इनेकाद किया गया, तो देखते हैं कि आप सबका शुक्रिया राशिद फातमी साहब किस एंगल से अदा करते हैं। लव यू विद थैंक्स। आज हमारा ये माशाल्लाह 36वां अवार्ड है और इंशाल्लाह कराची से और हैदराबाद से अख्तर पीरज़ादा भाई, एहसास राजू और हमारे भाई पब्लिक जिब्रान भी आ रहा है, काफ़ी लोग माशाल्लाह माशाल्लाह और वसीम रजा भी है, बाजू लशारी भी है, ये सब आ रहे हैं। ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है, खुशहाली बात है कि ये हैदराबाद की टीम पूरी आई माशाल्लाह। मजबूरी बड़ी बात है, ये तारीख है हैदराबाद की टीम के लिए तारीख हो। और मैं कहना चाह रहा हूं कि आज 64 अवार्ड है माशाल्लाह से, तो ये हम करते रहते हैं, 36वां अवार्ड है माशाल्लाह। अच्छा सलामत हुसैन भाई माशाल्लाह, ये मेरे लिए खुशहाली बात है कि सलामत भाई यहाँ पे ये पास की नमाज के बात कर रहे हैं, तो इनको माशाल्लाह मिला। और हमें एहसास है फातमी एयर प्रमोटर को कि हम इनकी एक तकरीब 8 पोजिशन पर रखे, उसके बाद अहमद शाह ने रखी थी वो तो सही कह रहा हूँ। तो ये बड़ी खुशाइन बात है माशाल्लाह कि सलामत भाई अख्तर भी ज़्यादा है, हसना भाई है, सूरज इमरान है, अली अख्तर बड़ा साथ देता है। मैंने बोला भाई आ जाओ पहले फ्लैग चला लें, तो माशाल्लाह ये उड़ता हुआ अजीम भाई है, अकलम कुरैशी है, बहुत ख्याल भाई, ये सब मोहब्बत वाले प्यार वाले लोग हैं। और अभी स्टार्ट करते हैं तिलावत से इंशाल्लाह। तुम्हारे दरमियान बहुत ही अच्छे जर्नलिस्ट, प्यारे जर्नलिस्ट, और इनका ताल्लुक हैदराबाद से, और हैदराबाद के हर समाजी और सकाफती प्रोग्राम में इनका नाम सर फहरिस्त रहता है। अख्तर पीरज़ादा हमारे साथ मौजूद हैं। अख्तर पीरज़ादा आज के प्रोग्राम के अवार्ड शो हो रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? दोस्तों कराची के लोग जो हैं वो प्यार करने वाले दोस्त हैं, मोहब्बत करने वाले दोस्त हैं, और कभी हमारी तरफ से भी कम नहीं होती है, लेकिन बारह राशिद फातमी ने ये इजहार ख्याल किया है, मोहब्बत का इजहार किया है कि जो हम ये समझते हैं कि हम अपने आप को एक वफ़ादार इंसान समझते हैं, वफ़ादार दोस्त समझते हैं, अगर हम वफ़ादार ना होते तो राशिद फातमी साहब हमें नहीं बुलाते। मैं शुक्रगुजार हूँ राशिद फातमी साहब का और तमाम कराची के दोस्तों का जिन्होंने हमें इज्जत दी, हमें बुलाया और हमें जो है वो सब दोस्तों को 4-5 दोस्त जो भी हम दोस्त यहाँ पर तशरीफ लाए हैं, क्योंकि आप जाने पुराने शाक राजू है, अपना आरिफ बबली है और रियाज पीरज़ादा है, हम तमाम दोस्त आए हैं। आपको पता है कि इतनी गर्मी में इतनी सख्त उसके अंदर आना कितना मुश्किल मसला है, लेकिन इसकी मोहब्बत में राशिद फातमी की मोहब्बत और कराची के तमाम दोस्तों की मोहब्बत में हम यहाँ तशरीफ लाएँ। परवरदिगार कराची के दोस्तों को हमारे दोस्तों में मोहब्बतें कायम दायम रहे, सलामत रहे, एक दूसरे में जो है वो हंसी खुशी रहे और कोई गिबतबाजी ना हो, कोई पीछे से कोई बात ना करे, कोई करे, सच्चाई हमारे सामने हो, हर चीज़ सच है हमारे सामने हो। और हम आज भी कराची के तमाम दोस्तों से मोहब्बत करते हैं और हमें यकीन है कि कराची वाले भी हमसे मोहब्बत करते हो, क्योंकि हमें कोई
एक रत्ती भर भी ऐसी कोई खामी नहीं है जिसमें कोई हमारे को इस बात के ऊपर पकड़ सके कि हम कोई डिफॉल्टर हैं। हम डिफॉल्टर कभी नहीं रहे। अच्छा, ऐसे प्रोग्रामों के इनेकाद से ये जाहिर होता है कि कराची और हैदराबाद के दरमियान जो बॉर्डर था वो ख़त्म हो गया। बिल्कुल, ये अच्छी बात है। कराची और हैदराबाद तो इतनी दूर नहीं है, उसके पास से दूर नहीं है। फनकार फनकार होता है और जर्नलिस्ट जर्नलिस्ट होता है, कोई सब आपस के अंदर जो कोई बॉर्डर नहीं है उनका। दूसरी बात ये कि इतना फासला नहीं है, डेढ़ घंटे दो घंटे के अंदर हैदराबाद से कराची पहुंच जाता है और इतना कोई मसला नहीं है कि आदमी जो है वो उसको ये समझ ले कि एक पासपोर्ट बनाना पड़ता है या वीजा लेना पड़ता है। अपना मुल्क है, अपना शहर है, अपना शहर है, वो भी अपना शहर ही। हम पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तानी का हर शहर हमारा अपना शहर है, हर सुबह हमारा अपना। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। खुश रहे, आपने मोहब्बत का इजहार किया, परवरदिगार को साथ आवाज़ खुश रखे, हमारी दुआ को साथ है और साथ रहेगी इंशाल्लाह। जब भी हैदराबाद आएँ आप हमारे मेहमान बनेंगे, हमें खुशी होगी। थैंक यू, आपका अपना दोस्त बनता है। थैंक यू। ग्रेट थैंक्स तरन भाई, ये दे क्या बात है। आरिफ भाई साहब हैदराबाद से, आरिफ भाई साहब रेडियो बहुत काम किया जी। फाते साहब क्या हो भैया हो, खाया पिया सब ये बराबर। आइए सर, एक्टर समीना मलिक, मुबशिर कुरैशी, माशाल्लाह इसका गाना भी दिया है लॉन्च पर। अच्छा, क्या नाम है मुबशिर बाबा जी अली अख्तर साहब, बेहतरीन एक्टर अली अख्तर साहब, अली अख्तर साहब अपना अवार्ड रिसीव करने आप पहुंचे हैं माशाल्लाह। ये बड़ा प्यारा दोस्त है मेरा और वक्त पे काम आने वाला बेहतरीन एक्टर अफसर खान, नंबर ये बन जाएंगे। बेहतरीन एक्टर मेरा बहुत अच्छा दोस्त, मेरा अच्छा भाई, तमाम कराची के तमाम दोस्तों का सर मुझे मैन अली अख्तर मौजूद हैं जो बहुत ही वर्सटाइल फनकार भी हैं, अदाकार भी हैं और अच्छे परफॉर्मेंस, ख़ास तौर पर पाकिस्तानी गानों में इनका परफॉर्मेंस देखेंगे तो आप देखते ही रह जाएंगे, धन रह जाएंगे। मिसाल के इस वक्त मौजूद हैं हमारे दरमियान, वो आज के हवाले से क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आज इवेंट है फातमी आर्ट प्रमोटर्स और सियासी न्यूज़ अखबार के हवाले से अवार्ड्स की एक तकरीब है और ये हमारे राशिद फातमी ने अरेंज की है और माशाल्लाह से हर साल काफ़ी सालों से वो ये अवार्ड की तकरीब करते चले आ रहे हैं और अल्लाह मेरी तो दुआ है अल्लाह ताला ये फनकारों को अवार्ड्स देते रहें ताकि फनकारों की हौसला अफजाई हो। और हमारे बहुत प्यारे भाई अनवर बल्लोच भाई हैं जो हर प्यारी तकरीब में जाकर, अच्छी तकरीब में जाकर सारे फनकारों से उनके कमेंट्स लेते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, उनकी हौसला
भाई करते हैं, इनकी भी कारकर्दगी बहुत है, ये भी माशाल्लाह से हसन मौला ही हैं, तवज्जो के गाने भी गाते हैं, एक्टिंग भी करते हैं, परफॉर्मर भी हैं। तो ऐसे लोगों के लिए बड़ी दुआ होती है कि जो मतलब इन कामों को प्रमोट करते हैं। और आज की तकरीब भी बहुत अच्छी माशाल्लाह से तकरीब चल रही है, इतने अवार्ड्स दे रहे हैं, अजर के दे रहे हैं। तो मेरे लिए दुआ सिर्फ यही है कि अल्लाह ताला ऐसी तकरीबात और लोग भी करते हैं। थैंक यू सो मच। सियासी न्यूज़ के हवाले से अगर मैं बात करूं तो एक ही नाम हमारे जहन में आता है और वो है जावेद अली साहब। जी सर, आइए सलाम। तो जावेद अली साहब का ये अवार्ड हम सलामत भाई के हाथों से दिलवाना चाहते हैं। सलाम, कहाँ है जावेद अली भाई? तो वेरी वेल नोन फिगर जावेद अली साहब। सर ये सर तालियां हो गए थोड़ा। सियासी न्यूज़ सलीम फिरोज साहब, वेलकम, पुश योर हैंड टुगेदर फॉर हिम। सलीम फिरोज साहब, अदीब अजीज शख्सियत अख्तर पीरजादा साहब, ये ले सर विशाल राजू साहब, जी आ जाए जी पीछे। जहां जेब खान, वेलकम टू दिस फाथ मी आर्ट प्रमोटर अवार्ड। ये लीजिए सर, सामने देखिए, आइए सर। एक्टर एंड डांसर सादिया मलिक, सादिया मलिक साहिबा, एक्टर एंड डांसर। आप फातिमा इलाही लेने के पास साहब, आइए सादिया, बहुत मुबारक हो सादिया। सादिया इलाही देखिए, और कुछ आप भी कहते हैं वसीयत आपको। और सुहेल खान अपना अवार्ड रिसीव करते हुए सलामत भाई और अख्तर पीरजादा साहब से, लव यू सर, थैंक यू। राशिद फातिमा, ग्रेट, थैंक यू सर। रिजवान खान, तालियां हो जाए। नाश्ते में आना है नहीं, मतलब मजा तो उसी में ना, ढिंका छिका जो मैं कर रहा होता हूँ। आए सर, आज ही फातिमा रिजवान, रिजवान वेरी वेरी वेल नोन, आह क्या बात है, डार्लिंग है ये हमारे अख्तर पीर ज़ादा साहब, लव यू सर, क्लैपिंग हो जाए सर। अरे ढंग से ताली बजा दो अख्तर भाई के लिए, क्या कर रहे हो यार। अख्तर भाई देखिए, थैंक यू अख्तर, माशाल्लाह बेहतरीन एक्टर आरिफ कमांडो साहब, वेलकम कहता हूँ नहीं जान, लव यू सर। एक तालियों में क्या मतलब, मिल जाएगा यार, खा लेना, हो जाएगा सब हो जाएगा। आरिफ कमांडो के हवाले से तो मैं वक्त की कमी के बाइस इरमा अहमद को यहाँ पर आने की दावत देता हूँ। इरमा अहमद यहाँ तशरीफ लेकर आ, देखिए सर रेडी,